व्यक्ति कुएं में गिर गया था और एक ईंट के सहारे लटका हुआ था। चारों तरफ मेले का शोर था। वो चिल्लाए जा रहा था, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। आप समझ सकते हैं कि मेले में कितनी आवाज, कितना शोर होता है। पहली बात तो किसी को सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि सब बाहर की आवाज में मशगूल थे। वहां से गुजरते गुजरते एक बौद्ध भिक्षु को वो आवाज़ सुनाई पड़ी। आप समझ सकते हैं कि इतने शोरगुल में भी बौद्ध भिक्षु को ही आवाज़ क्यों सुनी। ये अंतह की बातें हैं, अंतःकरण की बातें हैं। वो आया वहाँ पर, उसको देखा और बोलने लगा, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने पिछले जन्म में भी किसी को कुएं में धक्का दिया होगा, इसीलिए तुम यहाँ अटके हो। और वैसे भी बाहर निकलकर तुम क्या करोगे? संसार में भी तो उतना ही दुख है, बाहर आकर क्या करोगे? इससे अच्छा है अपने कर्मों का फल भोग लो और यहीं पर टिके रहो। जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तब तुम इससे निवृत्त हो जाओगे। वो बेचारा फिर से पुकारता रहा, बचा लो, बचा लो, और उसने वैसा नहीं किया। बौद्ध भिक्षुक अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से निकल गया। फिर भी वो चिल्लाता रहा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कहते कहते वहां से कन्फ्यूशियस निकला। कन्फ्यूशियस मॉन्क वो आया, बड़ा खुश था। अचानक उसके कान में आवाज गई, झांका कुएं में, देखा कि अरे यहाँ तो कोई गिरा हुआ है। बोलता, अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो गया, तुम तो अटक गए। कितना कहा गया है कि राज्य में हरेक कुएं के आसपास क्या होना चाहिए? पाट बनी होनी चाहिए, सुरक्षा की दीवारें बनी होनी चाहिए, कुएं को चारों तरफ से घेर कर रखना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति कुएं में गिरकर ना मरे। और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ तुम्हारी दशा का वर्णन करके, और मैं सबसे कहता हूँ, खास करके विशेष रूप से मैं राजा के पास जाऊँगा और उससे तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा कि तुम किस तरह से, राजा की किस गलती से तुम कुएं में गिरे हो। और फिर वो बाहर जाता है और बहुत सारी बड़ी सी सभा इकट्ठी करता है और सबसे कहता है कि देखो राजा की कितनी अव्यवस्था है। उसने कुएं के चारों तरफ पाट नहीं बनवाए, उसने सुरक्षा कवच नहीं बनवाए, और देखो बेचारा एक व्यक्ति वहां कुएं में लटका हुआ है और सहायता की मांग कर रहा है। वहीं से, मतलब उसने भी उसको कुएं से नहीं निकाला। फिर वहीं से बाई चांस एक ईसाई धर्म का व्यक्ति आता है और कहते, अरे तुम कुएं में गिरे हो। उसने फटाफट रस्सी निकाली और उसको
बांध कर निकाल लिया। ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि भाई आप तो बहुत महान है, इतने लोग आए उन्होंने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कहता है कि आप मुझे आभार मत कीजिए, मैंने तो सेवा का कार्य किया। क्यों? क्योंकि इस सेवा के बदले मुझे भी कहीं सेवा मिलेगी, तो मैंने तो अपने स्वार्थ हित में आपकी रक्षा की है, और इसलिए देखो मैं हमेशा रस्सी अपने पास रखता हूँ, दो कांटे रखता हूँ और दो और प्लेटें रखता हूँ ताकि भूखे को मैं खाना दे सकूँ, ग्लास रखता हूँ प्यासे को पानी दे सकूँ, और कुएं में डूबते हुए व्यक्ति को मैं बचा सकूँ, इसलिए मैंने ये रस्सी भी अपने पास रखी है और ये मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि सेवा ही मेरा धर्म है और मैं सबकी सेवा करता हूँ, क्योंकि सेवा के बदले में मुझे भी कभी कोई सेवा प्रदान करेगा। फल वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न सिंचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस संसार में, इस धरा में अगर आप आए हैं और अगर आप इस तरह से परमार्थ का कोई कार्य नहीं करते हैं तो वास्तव में जीवन व्यर्थ है, आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपका शास्त्र का ज्ञान भी व्यर्थ है। तो इस प्रेम की पराकाष्ठा के स्वरूप जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी हम एक पहले झलकी देखते हैं, फिर हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी शास्त्र वेद के ज्ञान है वो यहीं पर आके समाप्त होंगे। भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, रो कर पुकारो, उनसे संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, बस ये अंतिम बुद्धिमत्ता। कलयुग में सनातन वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी की वाणी भगवदीय तत्व ज्ञान के शंखनाद एवं पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के परम रसमय वेणु वादन का सम्मिश्रण है। आज जहां चारों ओर भक्ति का आधार मात्र सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तक सीमित रह गया है, वहां श्री महाराज जी की वाणी सकामता से उबार कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करवाती है कि हम उस अमृत स्वरूप भगवान की संतान हैं। संपूर्ण विश्व को दिए गए इन अमूल्य उपहारों से हमारा हृदय आभार से अभिभूत हो उठता है और इसके लिए हम सदैव अपने गुरुदेव के ऋणी बने रहेंगे, जो जगत गुरु हैं, संपूर्ण संसार के गुरु हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपाल जी महाराज की। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस चार दिन की यात्रा में आप अपने को खोल सकें और अपने उससे मिलने का प्रयास कर सकें। इसलिए कुछ रूल्स इस तरह से बनाए हैं जिसमें कि आप थोड़ी दुनिया से दूर रह सकें और अपने अंदर झांक सकें। नहीं तो क्या है, बहुत सुविधाएं हैं संसार में, 5-स्टार लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, आपके अपोलो और इन बड़े बड़े हॉस्पिटल के सामने किसी की क्या बिसात है, आप समझ सकते हैं। और आप समर्थ लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि आप समर्थ नहीं हैं। तो हमारी तो प्रार्थना रहेगी आपसे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप पूरा सहयोग करें अपने को खोलने के लिए, अपनी उस आत्मा की परत को टच करने के लिए। और उसका एक बूंद कहते हैं ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो बूंद लेकर जाइए, और जिसने वो बूंद रस का चस्का जिसको लग गया, फिर तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि फिर क्या कहेंगे उसके आगे, तो कोई शब्द नहीं है, सारे शब्द निरर्थक हो जाते हैं।
तो प्रभु कहाँ है भाई? कहता है कि जो दिख रही है सत्ता, जो संसार दिख रहा है इसमें भी है, और जो नहीं दिख रहा है उसमें भी है, जिसे हम कहते हैं दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में, जिसे हम कहते हैं निराकार रूप में और साकार रूप में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बातें, और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं इन सब बातों को, आप तो मजे हुए भक्त हो। तो दिखाई देने वाली सत्ता में भी वह उतना ही व्याप्त है जितना नहीं दिखाई देने वाली सत्ता, एंड दैट सत्ता वी जस्ट कॉल वाइब्रेशंस। उस सत्ता का हम कुछ एहसास, हम उसको एहसास कहिए, वाइब्रेशंस कहिए, स्पंदन कहिए, और यही कारण है कि कई बार और कई बातें जो हम नहीं कहते हैं वो भी आपके स्पंदन से, आपके वाइब्रेशन से एक से दूसरे की तरफ ऑटोमेटिकली वो ट्रैवल हो जाती है। वो चाहे आपकी अच्छी वाइब्रेशंस हो या आपकी बुरी, isn't it? जिसका सद्भाव है आपके प्रति, वो कुछ ना कहे तो भी आपको उसकी वाइब्रेशंस मिलती रहती हैं। गुरु आपके आपके सामने है या नहीं है, साकार रूप में है या नहीं है, उनकी वाइब्रेशंस आपको निरंतर, नित्य प्रति, हर क्षण, प्रतिक्षण मिल रही हैं और मिलती हैं। ये हो गया अदृश्य निराकार फॉर्म में। अब आइए, जब आप इस बात को कह रहे हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना घट घट वासी रे, हर घट में तू है, तो घट क्या है? हम सब क्या है? घट ही तो है। घड़ा फूट जाएगा तो क्या होगा? निराकार में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हमारी आत्मा साकार रूप में है, और जब ये इसमें से निकल जाएगा तो घट फूट जाएगा तो क्या होगा? समाहित हो जाएगा निराकार में। अब ये जो घट चल रहा है, ये किससे चल रहा है? ये जो शरीर, जिसको शास्त्रों ने घट भी कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहते हैं कि जैसा ब्रह्मांड में है वैसा पिंड में है, जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है। ज्योग्राफिकली मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो यू विल बी जस्ट शॉक्ड कि इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, इलाहाबाद का संगम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे के सारे व्याप्त हैं। तो ज्योग्राफिकली नदियां, पर्वत, पहाड़ और आपका वृंदावन किस तरह से आपके अंदर है, जो हम कहते हैं ना ये वृंदावन बाहर से। महाराज जी ने भी कहा कि ये जो दिख रहा है ये ओरिजिनल वृंदावन नहीं है। वृंदावन कैसा है? सूक्ष्म रूप में समाहित है। तो आपको वो सूक्ष्म रूप देखने के लिए स्वयं का तो रूप सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो घट घट में है ये साइंस कैसे प्रूव करता है? ये तो हम भक्ति की बातें हैं, जो हम भक्त हैं तो मैं उस रूप में आपको बता रही हूँ कि चल भाई घट घट में है, यानी आप इस सत्ता को मानते हो कि हर एक के अंदर ईश्वर है, वन, करेक्ट। रोम रोम में बसता राम, वो भी सुने आपने, ये भी भक्त की भाषा में। हम इसको देखते हैं साइंटिफिकली, साइंस की भाषा में देखते हैं ये घट घट में क्या है भाई। हर एक के अंदर, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि आपको चला रहा है। तो हमारा शरीर, जनरली जो लेमैन रहेंगे वो बोलेंगे भोजन से चलता है, बट वास्तविकता क्या है? हमारा शरीर प्राणवायु से ही चलता है। ये एक हो गया घट में वासी। दूसरी बात, रोम रोम में बसा है, वो क्या है रोम रोम? साइंटिफिकली यू नो वेरी वेल कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, राइट? उस न्यूक्लियस में जो प्रोटीन होता है उससे ही सेल जो है वो जीवित रहता है। हर रोज हम जो काम करते हैं उसमें हजारों लाखों सेल टूटते हैं और हजारों लाखों डेली बनते हैं। साइंस कहता है कि नहीं इस बात को? सर्वेषां रोगाणां कुपिता मला, सभी रोगों का कारण जो मल है, वो जो आपका रुक गया है बड़ी आंत में, वो ही रोग को जन्म देता है।
चाहे आपको खांसी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे उल्टी हो, चाहे दस्त हो, रोग कोई भी हो, बड़ी आंत के अंदर मल रुकने से ही रोग उत्पन्न होता है। यदि जिसके नाक से बार बार पानी बह रहा है, जिसको कान का रोग है, जिसको नाक का, आंख का, कोई भी रोग है, बड़ी आंत में मल रुका हुआ है उसकी वजह से, और मल रुक गया तुरंत नेचर के अंदर प्राकृतिक जीवन शैली के अंदर हम एनीमा का प्रयोग करते हैं। एनीमा लगाया, लगाते ही अपान वायु अपनी बैलेंस में आ जाती है। बैलेंस में आते ही प्रॉब्लम कहते हैं नेचर के अंदर कि 70% प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है सिर्फ एनीमा ही लगाने से। प्राकृतिक जीवन शैली में, प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही जबरदस्त रोल है। कई लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो सुबह पेट बिल्कुल साफ होता है, हमें क्या जरूरत है एनीमा लगाने की, हम तो सुबह जाते हैं धड़ांग देसी का हमारा पेट साफ होता है, हमें कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो पतला लैटरिन करता हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं एनीमा फैनीमा लगाने की, हम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं। गलत उनकी मुंह रखता है। एनीमा आपके मल को ही बाहर नहीं निकालता है, एनीमा आपके तंत्रिका तंत्र को एक्टिवेट करता है, एनीमा आपकी बड़ी आंत को मजबूत करता है, एनीमा आपके जो ब्रेन के अंदर मस्तिष्क में जो असीमित मात्रा में बनी हुई जो गर्मी है उस गर्मी को शांत करता है, एनीमा आपके मसानों में जो गर्मी बन जाती है जो नाभि का अनबैलेंस कर देती है, नाभि को डिगा देती है, वो नाभि का बैलेंस करता है एनीमा।